हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है बैटरी चार्जर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो जो है बैटरी चार्जर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो बैटरी चार्जर है इसका वायरिंग कैसे हुआ है, इसका कनेक्शन वगैरह जो है कैसे हुआ है, मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जो है बैटरी चार्जर, आप लोग को पता होगा कि कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है MDB पैनल है, आप लोग देख सकते हैं मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पैनल है, इसको जो है पावर का जो है पैनल कह सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ से हो रहा है, तो इसी को इस पैनल में क्या होता है कि हम लोग कंट्रोल का वायरिंग का यूज करते हैं कि जो हमारा ATS हो या एक सप्लाई जो है दूसरा सप्लाई से चेंज ओवर हो, या जो भी इसमें जो है बहुत से इक्विपमेंट होता है, रिले जो होता है, इसमें हम लोग कंट्रोल के लिए जो है क्या करते हैं 24 वोल्ट DC का यूज करते हैं, तो उसी के लिए जो है वो चार्जर यूज किया जा रहा है उसको चार्ज करने के लिए। तो हम लोग उसका कनेक्शन देख लेंगे। तो इसका कनेक्शन देखने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है सप्लाई 240 वोल्ट का इंडिकेशन है, 30 वोल्ट सप्लाई का है, ये दोनों ऑन है। और ये जो है बैटरी टेस्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं पुश बटन है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक रिले लगा है बैटरी को मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटरिंग रिले है। इसमें क्या है अगर आप लोग देखेंगे तो अर्थ फॉल्ट होगा तो इंडिकेशन चलेगा, या ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज पे भी इसमें जो है प्रोटेक्शन दिया है अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पे वोल्ट मीटर वोल्ट को मेजर करने के लिए जो है लगा हुआ है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं आप लोग को इसका जो है इक्विपमेंट दिखा देता हूँ, फिर इसमें क्या क्या जो है हमारा इक्विपमेंट है वो देखने के बाद इसका वायरिंग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है, ये जो है मेन बैटरी का चार्जर है, आप लोग देख सकते हैं ये मेन बैटरी का चार्जर है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैटरी है, ये जो है TV है, और यहाँ पे MCB, ये जो है MCB लगा हुआ है ब्रेकर वगैरह जो कनेक्शन होता है उसके लिए है। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाया ये क्या था, वोल्ट मीटर, आप लोग देख सकते हैं ये जो है आप लोग को जैसे पीछे मैं दिखाया अर्थ फॉल्ट पे या ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज पे जो है यहाँ पे हम लोग को जो है सिग्नल जो है मिल सकता है, अलार्म वगैरह जो है मिल सकता है। ये मॉनिटरिंग रिले इसको कर सकते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं कंट्रोलर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इंडिकेशन था वोल्टेज का, और जो हमारा 220 वोल्ट और 30 वोल्ट और एक पुश बटन आप लोग देखें टेस्ट के लिए, बैटरी टेस्ट के लिए था, वहीं जो है यहाँ पे है। मैं आप लोग को इसका ड्राइंग से बताता हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो इसका जो है वायरिंग जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसका मेन अगर सप्लाई अगर आप लोग देखेंगे तो 200 जो है 40 वोल्ट यानी सिंगल फेज का आप लोग देख सकते हैं AC सप्लाई फ्रॉम MV पैनल, जो MV पैनल है वहाँ से जो है इसमें सप्लाई आ रहा है आप लोग देख सकते हैं। यही जो है आप लोग यहाँ पे टैग देखेंगे NBC और RBC, यानी ये न्यूट्रल का है और ये रेड का है, यहाँ से सप्लाई जा करके QC1 यानी जो है ये क्या है 16 एम्पियर का 2 पोल MCB है, तो उसी का यूज करके आप लोग देख सकते हैं L1 L2 यहाँ से आउट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग क्या देखें कि NBC था RBC, यहाँ से L1 L2 जो है आउट होके अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है न्यूट्रल और फेज जो है कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है बैटरी का चार्जर, जैसे मैं आप लोग को उसमें दिखाया कि एक बैटरी का चार्जर था उसमें जा रहा है, और इसी सप्लाई से अगर आप लोग देखेंगे तो इंडिकेशन लैंप जो है 240 वोल्ट का आप लोग को मैं दिखाया कि जो पैनल था उस पर इंडिकेशन लैंप था तो वो है। फिर आगे अगर आप लोग देखेंगे तो बैटरी चार्जर सिग्नल स्टेटस टू PLC, ये जो है ये बैटरी चार्जर से PLC के लिए जो है आप लोग देख सकते हैं L3 और L4 जो है CF आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनल होगा बैटरी चार्जर में, उससे जो है यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टेटस ले सकते हैं बैटरी का, वही चीज़ यहाँ पे टर्मिनल है। फिर जो है इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो एक जो है अर्थिंग का जो है यहाँ पर केवल है, ये जो है अर्थिंग है, तो ये फेज न्यूट्रल और जो हमारा था 240 उसके साथ गया होगा, मैं आप लोग को वो भी दिखा दूंगा। और आउटपुट जो है अगर आप लोग देखेंगे तो नेगेटिव ये OP और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव OP, तो ये जो है L5 और L6 आप लोग देख सकते हैं, तो ये क्या है हमारा 24 वोल्ट जो DC है ये मिल रहा है। यहाँ से आउट होने के बाद QC2 आप लोग देख सकते हैं, ये 3 पोल का MCB है 16 एम्पियर का, और इससे जो है आने के बाद अगर आउटपुट में ये अगर आप लोग आगे देखेंगे तो ये आउटपुट में कहाँ कहाँ जा रहा है, ये 24 वोल्ट जो हमारा वहाँ पे चार्जर पर जो है 30 वोल्ट लिखा हुआ है, जो तो ये एक्चुअली में 24 वोल्ट होता है, तो इसको 30 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं जो हमारा यहाँ से मिला, वहीं जो है पूरा DC जो है कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये पूरा चीज़ है।
तो इसे अगर आप लोग देखेंगे तो 7 नंबर और 8 नंबर ये जो है आउटपुट होने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। और यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे कि ये जो है बैटरी यूज किया जा रहा है, यहाँ पे 30 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं बैटरी यूज किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 12 12 और 6 आप लोग देख सकते हैं 30 वोल्ट बैटरी, यहाँ पे जो है 5 बैटरी यूज किया जा रहा है। मैं आप लोग दिखाऊंगा, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है कि 12 वोल्ट 12 वोल्ट और 6 वोल्ट, लेकिन जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इसको जो है सीरीज में कनेक्ट करके इसका जो है वोल्टेज जो है बढ़ाया जा रहा है। तो 30 वोल्ट बैटरी में जा रहा है, यानी बैटरी चार्जर यहाँ से हमारा DC वोल्ट देगा तो क्या होगा, ये बैटरी चार्ज होगा। तो 30 वोल्ट यहाँ पर बैटरी यूज किया जा रहा है और यही सप्लाई अगर आप लोग देखेंगे तो ये न्यूट्रल है, ये फेज है और ये आगे जो है गया हुआ है इस साइड में लोग देख सकते हैं कंट्रोलर में। और यही जो है अगर आप लोग देखेंगे सप्लाई सेम जो है कहाँ पे गया हुआ है, ये पुश बटन है और एक जो है वोल्ट मीटर है। तो टेस्ट करेंगे बैटरी का वोल्टेज कितना है, तो उस टाइम में पुश बटन हम लोग दबाएंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाया एक वोल्ट मीटर था, उसमें हम लोग को बैटरी का वोल्टेज दिखाएगा। तो उसके लिए क्या हो रहा है, सेम यहाँ से इसी बैटरी से कनेक्ट करके गया हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देखें कि इंडिकेशन एक लैंप था जो 30 वोल्ट पे जल रहा था वो है। तो मैं जो है इतना जो है पहले ये कनेक्शन जो है बता देता हूँ आप लोग को ट्रेस करके, उसके बाद ये जो है मैं बताऊँगा कंट्रोलिंग का और आगे जो बचेगा वो दिखाऊँगा। तो जो है मैं आप लोग को इसका जितना बताया कंट्रोलिंग ये आगे बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है सप्लाई जो है मैं आप लोग को बताया, ये आप लोग देख सकते हैं NCB है और RCB, ये रेडियो लो जो है हमारा पैनल से आ रहा है 240 वोल्ट और एक जो है आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड जा रहा है। तो ग्राउंड जो है और ये जो है आप लोग देख सकते हैं कहाँ जा रहा था। सबसे पहले आप लोग देखें कि यहाँ पे एक जो है मैं आप लोग को दिखाया QC1, ये 2 पोल का आप लोग देखेंगे 2 पोल का MCB है। यहाँ से आउट होने के बाद अगर आप लोग देखेंगे ये इन हो रहा है और ये जो है आउट हो रहा है, यहाँ पे ये ऊपर से इन हो रहा है और नीचे आउट हो रहा है। तो L1 L2 जो है कहाँ पर जा रहा है आप लोग उसमें क्या देखें कि जो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं ये बैटरी का चार्जर है, आप लोग देख सकते हैं बैटरी का चार्जर है, इसमें जा रहा है 240 वोल्ट दे रहा है। और इसी में से एक लूप करके आप लोग देखेंगे तो L1 L2 जो है इंडिकेशन के लिए L1 और L2 मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया, L1 L2 यहाँ पे यानी फेस और न्यूट्रल जो है ये इंडिकेशन लैंप में आएगा ताकि इंडिकेशन जो है हमारा जलेगा कि सप्लाई है कि नहीं, तो उसके लिए ये यूज किया जा रहा है। तो सिंपल सा ये आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए। फिर आगे क्या हो रहा था इसमें इंडिकेशन के बाद आप लोग देखें कि ये जो है बैटरी का चार्जर है। तो इसमें क्या हो रहा था कि वहाँ पर जैसे आप लोग टर्मिनल देखें 5 और 6 जो है आउट होने के बाद अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग देखेंगे 5 इन हो रहा है, फिर यहाँ पे 5 आउट हो रहा है, फिर यही 5 जो है यहाँ पे जा रहा है, ये जो है 3 पोल का है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि 5 यहाँ से डाल के यहाँ से फिर इन करके फिर यहाँ से आउट करके ये जो है 7 नंबर बन जा रहा है आप लोग देख सकते हैं, और 6 नंबर जो है ये यहाँ पे 8 नंबर बन जा रहा है। यानी 7 नंबर और 8 नंबर जो है आप लोग देखे वहाँ ड्रॉइंग में क्या था, अगर आप लोग ड्रॉइंग में यहाँ पर देखेंगे तो सेम वही है। ये क्या है 6 नंबर आप लोग देख सकते हैं MCB से ये लूप करके, ये जो है अगर आप लोग देखेंगे 3 पोल है और 2 वायर है, इसलिए क्या है यहाँ से जो है वही जो है शॉर्ट करके इन हो रहा है फिर आउट हो रहा है फिर वही चीज़ आप लोग देख सकते हैं 5 और 6, यहाँ से जो है 7 8 बन गया, 7 8 जो है बैटरी में जा रहा है। मैं आप लोग को ऑलरेडी बैटरी में जा रहा है आप लोग को मैं ऑलरेडी बताया। तो बैटरी में अगर आप लोग देखेंगे ये जो है आप लोग देखेंगे ये जो है 7 नंबर है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे 8 नंबर है। तो 8 जो है 7 8 जो है दोनों एंड पे लगा हुआ है, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। यहाँ पे देखेंगे बैटरी जो है 1 2 3 4 5 5 जो है बैटरी लगा हुआ है और इसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है वोल्टेज बढ़ाने के लिए। मैं ऑलरेडी जो है बैटरी पे वीडियो बनाया हूँ कि बैटरी का कनेक्शन कैसे होता है, कब हम लोग इसको जो है अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या हम लोग को एम्पियर बढ़ेगा या वोल्टेज, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारा वोल्टेज बढ़ेगा एम्पियर, या कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, यानी वोल्टेज को और हम लोग को एम्स को बढ़ाने के लिए कैसे इसका कनेक्शन करते हैं उस पर वीडियो बनाया हूँ। तो ये जो है वोल्टेज बढ़ाने के लिए पूरा सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप लोग को ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये सिंपल सा आप लोग को बैटरी का समझ में आ गया क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है MCB से जाके यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है और इसी सप्लाई में से क्या हो रहा है, अगर आप लोग देखेंगे ये जो है TV में 7 8 7 8 आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है कि हमारा जो है ये यहाँ से बैटरी से जो है आउट हो गया, वहीं जो है ये सप्लाई जो है यहाँ से आउट अगर आप लोग देखेंगे तो पैनल में जा रहा है, ये हमारा बैटरी का जो है यहीं सप्लाई 7 8 आउट होके पैनल में जा रहा है। फिर आगे जो है आप लोग देखें कि क्या हो रहा था
कि ये जो है 5 और 6 नंबर जो हमारा आ रहा था यहाँ से 5 6 जो था इसी में से लेकर के क्या हो रहा था कि वोल्टेज टेस्ट करने के लिए जो है वोल्ट मीटर में, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है 7 8 है, आप लोग देख सकते हैं, तो सेम यही सप्लाई है 7 8 जो है, आप लोग देख सकते हैं 7 8 जो है लेकर के, और इसमें से जो है अगर आप लोग देखेंगे तो पुश बटन में डाला जा रहा है, 7 8 जो है पुश बटन में डाला जा रहा है, और इसी से जो है वोल्ट मीटर को जो है कनेक्ट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, तो ये पुश बटन में जा रहा है 7 8, और यहाँ से 10 और 11 आउट हो रहा है वो जो है वोल्ट मीटर में जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पुश बटन है, तो इसमें जो है 5 और 6 डाला जा रहा है, यानी वही जो है 7 8 जो है हम लोग बैटरी में डाल रहे हैं वही सप्लाई जो है यहाँ पे डाला जा रहा है, यानी फ्यूज से पहले ही इसमें डाल दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग देखेंगे सॉरी AMCB से पहले, तो यहाँ पे एक जो है 5 और 6 जो है लूप करके गया हुआ है, तो MCB से पहले जो है ये डाल करके आप लोग देख सकते हैं 5 6, और जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो ये 10 और 11 जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आउट होगा, तो ये आउट होगा कब, जब ये दोनों क्या है NO है, पुश करेंगे आउट होगा, आउट होगा तो ये वोल्ट मीटर जो है हमारा दिखा देगा कि कितना वोल्टेज है, जब तक पुश नहीं करेंगे इसमें वोल्ट आउट नहीं होगा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, पहले भी आप लोग देखें ये 0 वोल्ट है और पुश बटन जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है, तो इसमें क्या है कि पावर सप्लाई दिया हुआ है, जैसे हम लोग इसको प्रेस करेंगे आप लोग देख सकते हैं ये जो है 32 के आसपास जो है वोल्टेज दिखा रहा है, तो हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल था ये, आप लोग को पता चल गया। आगे जो है आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि ये जो कंट्रोलर है इसका वायरिंग कैसे हुआ है, ऑल जो है पूरा आप लोग देख लिए लगभग जो है कंट्रोलर का बाकी है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये 7 8 जो है यहाँ से आप लोग को मैं बताया कि सेम सप्लाई जो है आउट हो रहा है DC, आप लोग देख सकते हैं 30 वोल्ट जो हमारा ट्रांसफार्मर जो हमारा MV पैनल है उसमें जा रहा है कंट्रोलिंग के लिए, और यहीं से ये 7 8 जो है अगर आप लोग देखेंगे QC3 जो है 3 पोल का MCB डाल के इसमें भी सेम जो है एक सप्लाई जो है इसमें से जाके इसमें लूप करके और 2 आउट हो रहा है, तो ये जो है कहाँ जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में यह जा रहा है किसका, ये कंट्रोलर का, जो कंट्रोलर है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सप्लाई डाला जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पर, एक जो है अर्थिंग के लिए है, और इसमें आप लोग देखेंगे 14 और 15 जो है अर्थ फॉल्ट का सिग्नल के लिए है, और 7 8 9 जो है ये जो है यहाँ पे यूज नहीं है लेकिन उसमें अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज के लिए प्रोविज़न दिया है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, वो भी जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आगे जो है जो कंट्रोलिंग जो आप लोग देखें कि 7 और 8 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये TV से जो है लेकर के यहाँ पे ये MCB3 है, यहाँ पे 7 डाल के यहाँ पे 7 डाला हुआ है, फिर यहाँ निकाल के फिर यहाँ डाल के फिर यहाँ निकाला जा रहा है 12 13 हो जा रहा है, फिर 8 डाल के यहाँ 13 हो जा रहा है, यहाँ से 12 और 13 जो है आप लोग देखेंगे निकलने के बाद जो है आप लोग देख सकते हैं ये कंट्रोलर 12 13 जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है, और इसमें जो है 14 15 जो है आप लोग देख सकते हैं जो वहाँ पे था अर्थ फॉल्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे आउट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है यूज किया जा रहा है 14 15, लेकिन यहाँ नीचे कनेक्शन नहीं हुआ है यानी अर्थ फॉल्ट के लिए यूज नहीं हो रहा है, और एक जो है L3 और 4 जो है आप लोग देख सकते हैं स्पेयर है, तो L3 और 4 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का जो है इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज अर्थ फॉल्ट का भी आप लोग देख सकते हैं, तो इंडिकेशन आएगा उसके लिए कंट्रोलर है आप लोग देख सकते हैं, तो ये पूरा इस पर आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है NO NC और जो भी है इस पर, तो यहाँ से हम लोग इस टर्मिनल को यूज कर सकते हैं अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज पे भी हम लोग को इंडिकेशन अगर चाहिए तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपल था इसका जो भी वायरिंग था मैं आप लोग को बता दिया, अगर आप लोगों को कहीं भी इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।